दोस्तों, वेलकम टू द एचआर क्लासेस। मैं प्रियंका। आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है लिंग। लिंग, आज हम लिंग को समझेंगे, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जेंडर। आज हम लिंग को समझेंगे। इससे पहले हम काफ़ी सारी क्लासेस कर चुके हैं, तो आप वो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। पर मैं ये बहुत हेल्प करने वाला है, और आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एचआर क्लासेस, उससे जुड़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो स्टार्ट करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करेंगे लिंग को। तो लिंग क्या होता है? लिंग शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, मतलब वो शब्द, कोई शब्द जो हमें ये बोध कराए कि वह कौन सी जाति का है, पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, वो क्या कहलाता है? हमारा लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूप से पता चलता है हमें कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा लिंग कहलाता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार का होता है? हिंदी में दो प्रकार का लिंग होता है, और होता है उसे उभयलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो उसमें कितने? दो लिंग होता है। एक तो होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, तो सबसे पहले समझेंगे हम पुल्लिंग को। पुल्लिंग क्या? वह संज्ञा शब्द किसी पुरुष जाति का बोध कराए, मतलब वह संज्ञा शब्द जो किसी पुरुष जाति का बोध कराए, जिसके होने से ये कि हाँ ये किसी पुरुष जाति, वो क्या होला कहलाता है? हमारा कहलाता है। जैसे लड़का करें तो क्या होगा? लड़का पुरुष जाति का है। मोर, कुत्ता, शेर, हाथी, तोता, ये सारे क्या हैं हमारे? ये सब हमारे किसके? पुरुष जाति के होते हैं। किसके? पुरुष जाति के होते हैं। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति का होने का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं? तो स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध हो, किसी स्त्री जाति का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग में क्या था? लड़का। स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? लड़की, मोरनी, कुतिया, शेरनी, हथिनी आदि। तो ये सब हमारे किसके होंगे? ये सब होंगे हमारे स्त्रीलिंग के। किसके? स्त्रीलिंग के। स्त्रीलिंग के। और इसके अलावा जो शब्द, जो एक और लिंग आता है वो होता है उभयलिंग। क्या होता है? उभयलिंग। उभयलिंग होते हैं वे सब संज्ञा शब्द जो स्त्री व पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उभयलिंग कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों को स्त्री और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? उभयलिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर या तो स्त्रीलिंग हो या फिर पुरुषलिंग हो, मतलब पुरुष हो या पुल्लिंग हो, तो दोनों के लिए क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर, डॉक्टर आ रहा है, और डॉक्टर आ रही है, आ रही है, दोनों के लिए क्या यूज हुआ? दोनों के लिए क्या है? डॉक्टर शब्द। ये स्त्रीलिंग के लिए भी यूज हुआ और किसके? पुल्लिंग के लिए भी यूज हुआ। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए भी यूज हुआ। तो कैसे उभयलिंग कौन से शब्द होते हैं? जो दोनों मतलब जो दोनों लिंगों के लिए यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग मतलब उभयलिंग कहलाते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक आ रहे हैं, अध्यापक नहीं है। शिशु, शिशु या तो मतलब किसी लड़की ने जन्म लिया हो या किसी लड़के ने, कहलाता क्या है? हमारा कहलाता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी कक्षा में या तो छात्र मतलब लड़के हो या लड़की, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। और प्रधानमंत्री, इस पद पर या तो कोई औरत हो या कोई पुरुष हो, सबके लिए क्या यूज होता है? प्रधानमंत्री। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उभयलिंग के अंदर आते हैं, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। आगे देखते हैं, विशेष में समझते हैं। विशेष शब्द लिंग के आधार पर, जो विशेषण शब्द होते हैं वो लिंग के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं। मतलब कुछ विशेषण शब्द भी ऐसे होते हैं जो क्या
अपना रूप लिंग के आधार पर बदल लेते हैं। जैसे काला घोड़ा, अब घोड़ा शब्द आ रहा था तो विशेषण क्या बनना था? काला। यही अब घोड़ी शब्द आ रहा है तो विशेषण क्या बन गया? काली। काली घोड़ी। नीला हिरण, नीली हिरणी। जब स्त्रीलिंग आई तो विशेषण भी स्त्रीलिंग हो गया, और जब पुल्लिंग आया तो विशेषण भी क्या? पुल्लिंग हो गया। आदि शब्द, तो ये क्या है? विशेषण भी लिंग के आधार पर अपना रूप बदल लेता है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्द को देखेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं? ये शब्द कर बनाए जाते हैं। किससे? प्रत्यय लगाकर। किसी भी पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनाना, आगे देखते हैं। ये शब्द है हमारे पुल्लिंग और ये होंगे स्त्रीलिंग। जैसे मैंने देखा नौकर, नौकर क्या है? नौकर एक पुल्लिंग शब्द है, नौकर एक पुल्लिंग। आनी प्रत्यय लगाने से आनी, नौकर प्लस आनी तो क्या हो जाएगा? नौकरानी, नौक रानी। जेठ, इसका क्या हो जाएगा? जेठानी। देव, इसका हो जाएगा देव। कौन सा प्रत्यय लग रहा है? आनी प्रत्यय लग रहा है सब में। जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उनमें क्या? आनी शब्द लगाकर क्या बनना है? स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं। जैसे आयन प्रत्यय लगाकर, आयन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग, मतलब पुल्लिंग शब्द होगा और उसमें आयन शब्द लगाने से क्या बन जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे बाबू, बाबू का स्त्रीलिंग क्या होता है? बबुआइन। क्या होगा? बबुआइन। प्रत्यय क्या लग गया? आयन प्रत्यय लग गया। जैसे पांडा, पांडाइन। हलवाई, हलवाइन। चौधरी, चौधराइन। ये क्या है? हमारे आयन प्रत्यय लग गया। इन सब में क्या बन गई? हमारी स्त्रीलिंग बन गए। पुल्लिंग जो शब्द है उनमें आयन प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? ई प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनने वाले, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे गूंगा। ई प्रत्यय लगा देंगे क्या बन जाएगी? गूंगी। कबूतर, कबूतरी। नर्तक, नर्तकी। किससे बने? ई प्रत्यय लगने से बने। किसमें? पुल्लिंग शब्दों में ई प्रत्यय लगने से क्या बन गए? हमारा स्त्रीलिंग बन गया ई प्रत्यय लगने से। आगे देखते हैं। जैसे तरुण और तरुणी, चौथे में देखते हैं। ई आ प्रत्यय लगने से, ई आ प्रत्यय लगने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है? जैसे बूढ़ा, बूढ़ा शब्द यानी बूढ़ों लोगों के लिए जो यूज होता है उसके लिए, और बूढ़े का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुढ़िया। क्या होगा? बुढ़िया। कौन सा प्रत्यय लग गया? ईया। बेटा क्या हो गया? बिटिया। कौन सा प्रत्यय लगा? ईया। गुड्डा, गुड़िया। डिब्बा, डिविया। डिब्बा कैसा शब्द है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कौन सा है? संकर है, देशज है, विदेशज है? कौन सा शब्द है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इन प्रत्ययों से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाता है। जैसे क्या बोल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द में, मतलब इनसे जो इन प्रत्यय जिस शब्दों में लगता है स्त्रीलिंग शब्दों में, मूल शब्द के अंतिम स्वर का जो लास्ट में जो स्वर आ रहा होगा उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और उसके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाता है। जैसे कुम्हार, कुम्हार। कुम्हार का क्या है? हो गया कुम्हारिन। नाई, नाई का क्या हो गया? नाइन, ना इन। नाग, इसका क्या हो गया? नागिन। पड़ोसी क्या हो गया? पड़ोसिन। पड़ोसी का क्या हो गया? पड़ोसिन। छठवा देखते हैं। नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। नी प्रत्यय से, जैसे शेर का लिख दिया हमने शेरनी, नी प्रत्यय लग गया। मोर का लिख दिया मोरनी। नी प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनते हैं, क्या लगा देते हैं हम? नी। पीछे हर पुल्लिंग शब्द के पीछे क्या लगा देना है? नी लगा देनी है। क्या बन जाएगा? उसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे शेरनी, मोरनी। इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। हाथी, हाथी का क्या होगा? हथिनी। हाथी का हथिनी। तपस्वी का तपस्विनी।
तपस्वी का क्या बन जाएगा? तपस्विनी, हितकारी, हितकर्णी, स्वामी का स्वामिनी। तो किससे बन रहे थे? ईनी प्रत्यय से बन रहे थे। किससे? ईनी प्रत्यय से बन रहे थे। आगे देखते, इका प्रत्यय से जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, जैसे गायक, गायिका, संयोजक, संयोजिका। क्या लग गया? इका प्रत्यय। संयोजक तो यहां तक था ही, और जातक क्या था हमारा? जातक था हमारा संयोजक। इसमें इका प्रत्यय, जब हमने संधि पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि ई का क्या हो जाएगा, यहाँ लोप होकर किस पे? जा पर चढ़ जाएगी, और क्या आ जाएगा? का। क्या बन जाएगा? संयोजिका। लेखक, लेखिका, लेखक, लेखिका। तो ये शब्द हमारे क्या है? किससे बनने वाले? इका प्रत्यय से। आगे देखते हैं, बान शब्द से, बान, मान या बती शब्द में बदल कर, मती शब्द में बदल कर बनने वाले स्त्रीलिंग कौन से हैं? जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे गुड़, गुणवान, तो इसका क्या हो जाएगा? गुणवती। गुणवान शब्द दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? गुणवती। कौन सा प्रत्यय लगा? बती। भाग्यवान, भाग्यवती। श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती। कौन सा लग जाएगा? मती प्रत्यय। बुद्धिमान का बुद्धिमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। आगे देखते हैं दसवां, आ प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले आ शब्द से, जैसे प्रिय का हो जाएगा प्रिया, सुत का हो जाएगा सुता, क्या होता है? बेटी। आचार्य का हो जाएगा आचार्य, आचार्य का क्या हो जाएगा? आचार्य, आचार्य। ये स्त्रीलिंग, ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया आचार्य। शूद्र, इसका क्या हो जाएगा? शूद्र। ताको स्त्री करने से, ताको त्री करने से बनने वाले पुत्र, मतलब स्त्रीलिंग शब्द जो है। कर्ता का कर्त्री, अभिनेता का अभिनेत्री, क्या हो गया? ता का पीछे क्या कर देते हैं? त्री कर देते हैं स्त्रीलिंग बनाने में। अगर ता शब्द आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे? त्री कर देंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे कर्ता था उसको क्या कर दिया? कर्त्री। अभिनेता था उसको बोल दिया अभिनेत्री। नेता का क्या होगा? नेत्री। रचयिता का रचयित्री। आगे देखते हैं बारहवा, नर मादा से बनने वाले शब्द। जैसे कुछ पशु पक्षी भी ऐसे होते हैं जिनका हम नर मादा लगाकर क्या बना देते हैं? नर और मादा लगाकर, मादा लगाकर उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी। भेड़िया का होता है मादा भेड़िया। नर चील का चील। टेट के पेपर में पूछा गया था चील का स्त्रीलिंग क्या, मतलब चील कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो चील क्या है? स्त्रीलिंग है, और उसके लिए नर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। भालू, भालू का मादा भालू, क्या होगा? मादा भालू। 13वां देखते हैं, निम्न भिन्न लिंग वाले शब्दों को भी देखें। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, वीर का होता है वीरांगना, नपुंसक का होता है बांझ, और साधु का होता है साध्वी। ये ऐसे शब्द ही नहीं, या तो ब्लोम कह सकते हैं, या फिर जो कि भिन्न लिंग वाले शब्दों से बनते हैं। जैसे विद्वान का क्या हो गया? विदुषी। वीर का वीरांगना। नपुंसक का बांझ। नपुंसक किसके लिए? पुरुष के लिए यूज होगा, और बांझ किसके लिए? औरत के लिए। साधु किसके लिए? साधु जो पुल्लिंग होगा, साध्वी स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं? तो आव, आ, आव, पा, पन, ना, ये प्रत्यय जिनमें लगे हों वो शब्द क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे मोटा क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। चढ़ाव, आव लगा हुआ है। बुढ़ापा, पा लगा हुआ है। लड़कपन, पन लगा हुआ है। लेन देन, ये आदि शब्द क्या है? हमारे पुल्लिंग है। पर्वत, मास, बार और कुछ ग्रहों के नाम भी हमारे क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं। जो ग्रहों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पर्वतों के नाम, मास के नाम, बार के नाम, मतलब सोमवार, मंगल, बुध जो होते हैं, और कुछ ग्रहों के नाम, वो क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जितने भी पेड़ों
में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, द्रव्य पदार्थों के नाम, पानी, तावा, लोहा आदि के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और के नाम जो होते हैं, हीरे जवाहरात, हीरा पन्ना आदि, ये भी क्या होते हैं हमारे, ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। और देखते हैं शरीर के अंग, दांत, हाथ, कान, गला आदि, जो शरीर के हमारे जितने भी अंग होते हैं उनका, उनके मतलब उनके नाम भी ज़्यादातर किस में आते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं। किस में? पुल्लिंग में आते हैं। जल, स्थल, भर, भूण, भूमंडल के भागों के लिए भी पुल्लिंग शब्द आते हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के लिए आ, ऊ, ए, ओ, क, ख, ग, च, छ, च, स आदि, ये भी नित्य पुल्लिंग शब्द। तोता, मक्षर, कौआ, बिच्छू आदि। स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? जिन शब्दों के अंत में खा हो, ईख, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, बट या हट हो, जैसे झंझट, चिकनाई, बनावट, सजावट आदि, वो कौन से होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। भाषा, बोली, लिपियां, नदी, तिथि, नक्षत्र, पृथ्वी, ग्रह आदि। पृथ्वी ग्रह जो है वो, बस कुछ उसमें आ रहे थे, और जो पृथ्वी ग्रह किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। तो ये भाषा या भाषा, बोली, भाषा, बोली, लिपि, नदी, तिथि, नक्षत्र और पृथ्वी ग्रह आदि किस में आते हैं हमारे? ये किस में आते हैं? ये हमारे सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। सब के सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में आएंगे भाषा का नाम, बोली, लिपियां, नदी, तिथि, नक्षत्र, पृथ्वी, ग्रह आदि सब किस में आते हैं? हमारे उसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में के नाम। हिंदी, अश्वनी, भरणी, पहली, दूसरी, गंगा आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग। अनुस्वारंत, इकारांत, अकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। ये जो संज्ञाएं होती हैं ये क्या होती हैं हमारी? स्त्रीलिंग होती हैं। रोटी, टोपी, लू, सांस, बात, छत, चिट्ठी आदि भी क्या होती है हमारी? स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है? स्त्रीलिंग। प्रत्यय जिनकी सहायता से स्त्रीलिंग बनता है उसे ई, इया, इन, नी, आनी, आयन, आ, इका, इनी, ईडी आदि कहते हैं। ये मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, ये वही दे रखा है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है पेपर में। इसके हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, पूरी सीरीज स्टार्ट होगी, तो जोड़िए और अपने साथ वालों को भी जोड़िए, चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगा ये। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे जो कल करेंगे हम टॉपिक, सो आज के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना।